भूपेंद्र भाई को खुद नहीं पता था सुबह में कि दोपहर में चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, और ना वो जब जाते हैं ना तो ये स्पीची भी उनको धक्का दे देता है, और प्रधानमंत्री को बिल्कुल आसपास नहीं आने देते हैं। वहां भी कार से साइड कर दिया है, मुझे दिख नहीं रहा है भाजपा का पोस्टर, नहीं तो आपको दिखा देता, पोस्टर में भी उनको साइड कर दिया है। ये गुजरात का अपमान है भाई साहब, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर का अपमान है। भाजपा अगर अपमान का बात करना चाहती है और भाषा की मर्यादा का बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं भाजपा के साथ भाषा की मर्यादा पर बात करने के लिए। हमारे अध्यक्ष ने एक तुलना किया, एक उदाहरण दिया, तो बात को बतंगड़ बनाने लगे, बोले गुजरात का अपमान है। तो मैं पूछना चाहता हूं, टीवी स्टूडियो में बैठ करके मोदी जी को देश का बाप बता रहे थे, वो देश का अपमान था कि नहीं था? था ना, मोदी जी देश के बाप हैं, तो भाजपा का प्रवक्ता ये बात क्यों बोला? अगर बोला तो देश का अपमान किया कि नहीं किया? जिसका घर शीशे का हो ना, उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। दिन भर गुंडागर्दी की भाषा करने वाले मंच से खड़ा होकर के गृह मंत्री, जिसका काम है कानून व्यवस्था की रक्षा करना, वो गैर कानूनी बात कर रहे हैं, इंसान को डरा रहे हैं, घाव को कुरेद रहे हैं, जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं, और ये भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपको इसलिए खटक रहे हैं ना, क्योंकि उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है। अगर उनका नाम मल्लिकार्जुन अंबानी होता ना, तो आप उनकी चरण वंदना कर रहे होते। बुद्धिमानी सिखाते हैं, ये बुद्धिमानी नहीं है साहब, इसको बेशर्मी कहते हैं, बेशर्मी। और मेरे मन में ये विचार आता है कई बार कि पैदाइशी बेशर्म है कि सुबह सुबह चूरन खाते हैं हमारे अंदर। वोट देता है लोग किस उम्मीद में, टैक्स देता है लोग किस उम्मीद में कि सरकार जनता के समस्याओं से उसको निजात दिलाएगी? रोजी का सवाल, रोजगार का सवाल, किसानी का सवाल, मजदूरों का सवाल, महिला सुरक्षा का सवाल, बिजली का सवाल, पानी का सवाल, इन मसलों को हल करेंगे। संविधान ने जो हमको बराबरी का अधिकार दिया, उस बराबरी के अधिकार का ही नतीजा है साहब कि ये जो कुर्सी लगा के बैठे हैं ना महानुभाव साहब, इनका भी वोट एक है, और नीचे में जो आप लोग दरी बिछा करके बैठे हैं, आपका भी वोट एक है। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की ताकत है कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला का भी वोट एक है और पैदल चलने वाला का भी वोट एक है। अंबानी साहब का भी वोट एक है और उनके घर में सफाई का काम करने वाले स्वीपर का वोट भी एक है। अगर ये बराबरी का अधिकार नहीं होता ना, तो सरकार आपको 5 साल में नजर नहीं आता। ये बराबरी का अधिकार ही हमको ये ताकत देता है कि हम 5 साल में सरकार को उसके काम के आधार पर चुन सकें, उसको जिता सकें, उसको हरा सकें। मैं देख रहा हूं कि जो लोग एक बार गद्दी पर बैठ गए हैं वो लोकतंत्र को अपना बपौती समझने लगे हैं। इसीलिए आप तमाम माताओं बहनों से ये अपील करना चाहता हूं, जिन लोगों को हमने गद्दी पर बिठाया है उनको ये याद दिलाने की जरूरत है कि अगर हम गद्दी पर बिठा सकते हैं तो कान पकड़ करके नीचे भी उतार सकते हैं। लोकतंत्र के साथ मजाक करना बंद करो और ये बताओ कि क्यों गुजरात में सबसे महंगी बिजली मिल रही है। ये बताओ कि जिन लोगों को कोरोना में अपनी जान गंवानी पड़ी उनको 4 लाख का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? ये बताओ कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमको बदले में ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? ये बताओ कि हमारे बच्चे बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल करते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं, पेट काट करके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, MBA करते हैं, कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, और जब एग्जाम देने जाते हैं तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। ये बताओ कि इस बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेवार है? ये बताओ कि इस बढ़ती हुई महंगाई के लिए कौन जवाब है? इन सवालों का जवाब हमको तय करना पड़ेगा, इन सवालों की जवाबदेही हमको तय करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि गुजरात में सिर्फ 2 तरह का वोट है। एक वोट वो है जो गुजरात में चल रहा है ना, वही चलता रहेगा। दूसरा वोट वो है जो इस बात को समझता है कि हमारे नाम पर किस तरीके से धोखाधड़ी की जा रही है, जो ये समझता है कि जो चल रहा है उसको रोकना जरूरी है। अगर उसको नहीं रोका गया
तो लोकतंत्र को अपनी बपौती समझने वाले लोग लोकतंत्र का गला घोंट देंगे।